नमस्कार, मैं अनामिका बिहारी न्यूज से। चलिए जानते हैं बिहार की 25 खबरों के बारे में। बिहार बोर्ड पर पटना हाई कोर्ट का व्यंगात्मक बयान। इंटर स्कूल में तय सीट से ज्यादा छात्रों का नामांकन लेने के बाद उनका पंजीयन नहीं करने के मामले में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से पटना हाई कोर्ट ने जवाबदेही की बात कही है। शिक्षा स्तर में सुधार की नीति से अदालत को अवगत कराने का आदेश देते हुए कहा कि बिहार बोर्ड महज सर्टिफिकेट देने वाला संस्थान बनता जा रहा है। बिहार के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। बिहार पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली प्रक्रिया जारी की गई है, जिसमें दरोगा के 2000 से अधिक पद हैं और साथ ही साथ सार्जेंट, सहायक, जेल अधीक्षक की बहाली के लिए भी विज्ञापन जारी किए गए हैं। 2446 पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रेषित किए गए हैं। सुपौल वासियों के लिए खुशखबरी, अक्टूबर से चालू होगा रेल मार्ग। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ब्रजेश कुमार ने कहा कि सहरसा से सुपौल की बड़ी रेल लाइन अक्टूबर महीने के अंत तक जुड़ जाएंगे। सिर्फ 5 रैक गिट्टी डालने के बाद सुपौल तक ट्रेन चलाने लायक रेल खंड हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में ही CRS निरीक्षण कराने की तैयारी की जा रही है। अब चलती ट्रेन में भी होगी सफाई, विभाग ने जारी किए निर्देश। यात्रियों को गंदगी के बीच में सफर न करना पड़े, इसके लिए चलती ट्रेन में सफाई के लिए सुविधा ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग की बहाली करने की तैयारी की जा रही है। सहरसा से नई दिल्ली के बीच चलने वाली वैशाली एक्सप्रेस चलती ट्रेन में भी 1 सितंबर से सफाई सुविधा उपलब्ध होगी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसा। अपने एक ट्वीट में सुशील कुमार मोदी ने लिखा है कि गरीब पिछड़े परिवार से आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए, बल्कि कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए जो कि सामाजिक न्याय में बाधक बनने के लिए सत्ता से बाहर हुई। राम विलास पासवान ने कहा, कभी खत्म नहीं होगा आरक्षण। केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ट्वीट कर कहे हैं कि आरक्षण मिलना एक संवैधानिक अधिकार है और ये भी कहा है कि ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। पासवान ने यह भी कहा है कि पीएम मोदी ने बार बार कहा है कि आरक्षण के अधिकार को विश्व का कोई भी ताकत खत्म नहीं कर सकती है। मोहन भागवत जी का दिया गया बयान विपक्षी दलों को दिशा भ्रमित कर रहा है। बाढ़ ग्रसित बिहार में अब सूखे की आशंका जताई गई। अब तक राज्य के 38 में से 28 जिलों में से 1 जून से हुए सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है, जिसके दौरान सीएम नीतीश कुमार की बैठक में उन्होंने अधिकारियों के साथ सूखे के मुद्दे को लेकर कहा कि दक्षिण बिहार में सूखे की स्थिति बनने की आशंका हो रही है, इसके लिए हमें पहले से ही सचेत रहना होगा। गिरिराज सिंह ने ट्वीट पर जाहिर की अपनी इच्छा। एक तरफ जम्मू कश्मीर से जहां आर्टिकल 370 हटाने के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है, वहीं अब गिरिराज सिंह के ट्वीट ने उसके जले पर नमक का काम किया है। गिरिराज ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जय कश्मीर, जय भारत, अब की बार उस पार। बिहार में 1 लाख से अधिक सरकारी मास्टरों की बहाली का आदेश जारी। राज्य सरकार ने इस वर्ष 1.40 लाख शिक्षकों के नियोजन लक्ष्य पूरा करने की कार्य योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब वर्ग को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा, साथ ही उनके लिए कट ऑफ मार्क्स में भी छूट मिलेगी। महाराजगंज नगर पंचायत चुनाव में मंजू देवी के सर चढ़ा अध्यक्ष का ताज। सिवान नगर पंचायत की नव निर्वाचित अध्यक्ष मंजू देवी व उपाध्यक्ष उमा शंकर सिंह को अनुमंडल कार्यालय स्थित सभागार में निर्वाची पदाधिकारी सह DC LR प्रवीण कुमार ने उनके निर्वाचन की घोषणा की, साथ ही उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया। मोतिहारी के मारवाड़ी युवा मंच ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा आयोजित स्थानीय इकाई अध्यक्ष मनीष कुमार सुल्तानिया एवं सचिव मनीष कुमार मोदी के सौजन्य से इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया गया, जहां पिपरा विधायक श्याम बाबू यादव ने मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से रक्तदान शिविर का उद्घाटन करते हुए मेरा लहू देश के नाम माँ तुझे सलाम शीर्षक कहा। कन्या मध्य विद्यालय चौसा के छात्र हुए बिहार दर्शन को रवाना। मधेपुरा कन्या मध्य विद्यालय चौसा के छात्र मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के तहत शैक्षिक परिभ्रमण के लिए रवाना हो गए। इसे प्रखंड साधन सेवी राम प्रकाश रेणु द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया, जिसके दौरान बच्चे काफी उत्साहित नजर आ रहे थे, उनमें पिकनिक करने जैसा माहौल लग रहा था। आपके टोले से नहीं मिला वोट तो नहीं होगा आपका विकास। गोपालगंज जिले के उचका गांव प्रखंड की मुखिया कुमुद कुमारी के पास ग्रामीण जनता ने बिजली की समस्या को लेकर अपनी बात को रखा।
जिसके दौरान उन्होंने 1.5 साल से लगे बिजली का ट्रांसफार्मर लगने के बावजूद भी अंधेरे में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। इस पर महिला मुखिया कुमुद कुमारी ने कहा कि आपके गद्दी टोले से मुझे वोट नहीं मिला है, इसलिए मुझसे विकास की उम्मीद भी मत करें। भागलपुर के सरपंच अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से किए गए सम्मानित। 2 बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पाने वाले बिहपुर बभनगामा के ग्राम कचहरी सरपंच श्रवण गुप्ता को 1 और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मंगलवार को दिल्ली में मिला है, जहां श्रवण को देश रत्न राजीव गांधी सम्मान से नवाजा गया। इस सम्मान के लिए प्रतिभागियों का चयन उनके कर्मस्थली से विकास कार्यों में अनवरत परिश्रम के आधार पर किया गया है। लालू के लाल आए पटना 370 पर साधी चुप्पी। तेजस्वी यादव ने पटना आते ही मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए एक और जहां 370 पर चुप्पी साध ली, वहीं पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा उस पर भी तेजस्वी ने सिर्फ इतना कहा कि इन चीजों पर बात बाद में होगी। तेजस्वी ने मोहन भागवत के बयान पर कहा कि ये आरएसएस का एजेंडा है। बिहार बीजेपी ने बढ़ाई सदस्यता अभियान की तारीख। इस बार उम्मीद से कम सदस्य जुड़ने की वजह से बिहार बीजेपी ने सदस्यता अभियान की अंतिम तारीख 20 अगस्त से बढ़ाकर 25 अगस्त कर दी है। बिहार के सदस्यता अभियान प्रमुख राधा मोहन शर्मा प्रदेश महामंत्री ने इसकी जानकारी दी है। पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू के बेटे पर लगे गंभीर आरोप। वार्ड 21 की पार्षद पिंकी कुमारी ने महापौर के बेटे शिशिर कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब वो पानी पीने के लिए जा रही थी, उसी दौरान मेयर के बेटे ने उनके साथ छेड़खानी की और आंख भी मारा। पिंकी कुमारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसी की भी मनमानी नहीं चलेगी, मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और महिला के साथ भी हो सकता है। मेयर सीता साहू के बेटे के खिलाफ महिला आयोग और कदम कुआ थाने में FIR दर्ज किया गया है। सम्पन्न हुआ झामुमो का जिला स्तरीय किसान मोर्चा समारोह। झामुमो किसान मोर्चा का जिला स्तरीय समारोह चाईबासा में जिला अध्यक्ष चंबरू कालिया जमुदा के अध्यक्षता में हुआ। घनश्याम लागुड़ी पंचायत अध्यक्ष, प्रताप सिंह तामसोय सचिव, प्रदीप लागुड़ी कोषा अध्यक्ष, सतीश हेम्ब्रम पंचायत अध्यक्ष को इस सभा में चुना गया। पटना लौटे लालू के लाल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग। राजद दल के विधायक नेताओं ने तेजस्वी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग की है और उनके ही हाथ में पार्टी के नेतृत्व को सौंपने की बात की जा रही है। छठे चरण के लिए शिक्षक नियोजन का आवेदन पत्र का प्रारूप जारी। निदेशक गिरिवर दयाल सिंह के अनुसार शिक्षकों के नियोजन का आवेदन 27 अगस्त से 26 सितंबर तक जमा की जाएगी। बिहार पुलिस मुख्यालय ने जारी किए सख्त निर्देश। बिहार पुलिस विभाग में कोई सिपाही या हवलदार मुंशी का कार्य नहीं करेंगे। लेखन पदाधिकारी ही लेखन उत्तरदायित्व तो संभालेंगे। व्यवस्था को सही करने के लिए 15 सितंबर तक की तारीख दी गई है। पटना में आनंद किशोर की अध्यक्षता में अतिक्रमण हटाओ अभियान आरंभ हुआ। आनंद किशोर परमंडलीय आयुक्त ने अतिक्रमण हटाने के संदर्भ में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। अंटाघाट सब्जी मंडी को वेंडिंग जोन में शामिल किया गया है। राजधानी में चोरों ने उड़ाए लाखों के जेवर। जगनपुरा बुद्धा सुभाष इनक्लेव समेत स्थित घर में दोपहर के वक्त चोरों ने घुसकर अलमारी से 3.5 लाख रुपए के जेवरों को लेकर फरार हो गए। पटना के पौस इलाके में चल रही थी पार्टी, पहुंच गई पुलिस। पटना के पौस इलाके कहे जाने वाले डाक बंगला स्थित RD टावर के रूम नंबर 502 में शराब पार्टी की सूचना मिली, जहां 5 जन मिलकर हाई प्रोफाइल पार्टी कर रहे थे। तभी वहां मौजूद एक व्यक्ति ने हल्ला मचाने पर जब आसपास पड़ोस के लोगों ने उनकी आवाज सुनी तो इसकी सूचना कोतवाली थाने की पुलिस को दी, जहां से भारी मात्रा में ब्लेंडर स्प्राइट की कई बोतलें बरामद की गई। साथ ही 5 व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया गया है। जानते हैं आज 22 अगस्त के मौसम के बारे में। मुजफ्फरपुर, सुपौल, पूर्णिया, मोतिहारी, छपरा, फारबिसगंज और भागलपुर में गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है। वही नालंदा, गया, राजगीर, मधुबनी और औरंगाबाद में मध्यम या हल्की बारिश होने की संभावना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।